दोस्तों एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ सैमसंग गैलेक्सी M32। इसको मैंने अमेजोन से डायरेक्टली परचेज किया है और आज इस वीडियो में इसका हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे इस फोन के बॉक्स के अंदर में आप लोगों को क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल जाता है, साथ ही में फोन के स्पेसिफिकेशन कैसा है। फर्स्ट ओवरव्यू मैं और फर्स्ट एक्सपीरियंस अपना दूंगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों देरी न करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 6GB और 128GB वेरिएंट। प्राइस इसका है 16,999 रुपीज, लेकिन अमेजोन से मैंने ICICI डेबिट कार्ड से परचेज किया था इसलिए मुझे 1,250 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं और करंट प्राइसिंग को चेकआउट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये है हमारा छोटा सा बॉक्स, सैमसंग गैलेक्सी M32 फ्रंट पर लिखा गया है और सामने उसका एक रेप्लिका दिया गया है। पीछे में देखेंगे कुछ की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए फटाफट इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और सील कट करके देख लेते हैं बॉक्स के अंदर में क्या कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। एकदम रिटेल पैकेज है तो अगर आप लोग अमेजोन से परचेज करते हैं तो एकदम सेम चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बॉक्स को ओपन करते ही फर्स्ट में आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M32 देखने को मिल जाता है। मेरे पास ब्लू कलर में है और कलर कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी शाइनी सा कलर है। ब्लू के अंदर भी आप लोगों को रेनबो इफेक्ट दिखेंगे, मैं आप लोगों को इसको डिटेल में और ज़्यादा दिखाऊंगा, पहले इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। उसके बाद बॉक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है एक स्टैंडर्ड सा टाइप सी केबल, USB A to USB C केबल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद देखेंगे आप लोग एक पावर अडैप्टर देखने को मिल जाता है। पावर अडैप्टर का जो रेटिंग है वो है 15 वाट का, आप लोग मैक्सिमम 15 वाट पे इससे चार्ज कर पाएंगे अपने फोन को। बॉक्स के इस तरफ में भी एक छोटा सा एनवेलप है, इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सिम इजेक्टर पिन देखने को मिलता है और उसके अंदर में कुछ यूजर मैनुअल और कुछ लीफलेट वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बस यही है बॉक्स के अंदर में, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर बॉक्स के अंदर में नहीं दिया गया है। कोई केस, कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर, ऐसा कुछ भी आप लोगों को बॉक्स के साथ देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली यही थे बॉक्स कंटेंट्स। फोन दोस्तों अनबॉक्स हो चुका है और अगर आप लोग देखेंगे तो पीछे से काफी ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। एक्चुअल फोटोज में जैसा ये लग रहा था उससे कहीं ज्यादा ये खूबसूरत है। इन हैंड फील इसका काफ़ी अच्छा है। पीछे में आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम लुक दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू के साथ साथ यहाँ पे रेनबो इफेक्ट्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा फिनिशिंग दिया गया है। फोटो में देख के मुझे सिर्फ ये ब्लू कलर का लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही है, आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीछे में स्क्वायर शेप में कैमरा डिज़ाइन आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे। इनमें से मेन सेंसर आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। फोन के साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और फोन हाथ में लेने के बाद काफी कॉम्पैक्ट यहाँ पे लग रहा है। फोन यहाँ पे काफी कॉम्पैक्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है 6.4 इंच का एक डिस्प्ले और यहाँ पे आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। चलिए फटाफट इस फोन को बूट कर लेते हैं और बूट करने के बाद हम लोग देख लेते हैं फोन के अंदर में आप लोगों को क्या कुछ चीजें देखने को मिल जाता है। जब तक ये फोन बूट हो रहा है मैं आप लोगों को फोन के की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इस फोन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का हेलियो G80 प्रोसेसर, जो एक काफी अच्छा मिड रेंज प्रोसेसर है। साथ ही में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 6000 mAh का बैटरी, 6GB और 4GB दो वेरिएंट में आप लोगों को ये फोन देखने को मिल जाएगा। 4GB और 64GB का वेरिएंट का प्राइस है 14,999 रुपीज और 6GB और 128GB का प्राइस है 16,999 रुपीज। फोन के अंदर आप लोगों को 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और जिसके अंदर आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से सुपर एमोलेड 90Hz डिस्प्ले काफी एक अच्छी बात है और काफी अच्छी चीज मुझे यहाँ पे लगा। फोन के कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा, जो मेन सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का। साथ ही में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है।
फ्रंट पे आप लोगों को 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मेन सेंसर है उसका एपर्चर है f1.8। फोन में आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा और उसके ऊपर में आप लोगों को वन यूआई का 3.1 वर्जन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फोन हमारा बूट हो गया है और आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट बूट के बाद लुक इसका कैसा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है और डिस्प्ले यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कलरफुल, काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे डिस्प्ले है। चलिए डिस्प्ले में देख लेते हैं यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ इनेबल है या नहीं। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं मोशन स्मूथनेस में हाई पे दिया गया है, यानी कि आपका 90 हर्ट्ज़ इनेबल है। तो ओवरऑल डिस्प्ले में स्मूथनेस आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है। ओवरऑल डिस्प्ले देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ है, यहाँ पे काफ़ी फास्ट आप लोग यहाँ पे मूव कर पाएंगे फ़ोन को और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है 90 हर्ट्ज़ होने के कारण। और फ़ोन का ये फर्स्ट बूट है तो फर्स्ट बूट के बाद देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लोटवेयर्स प्री इंस्टॉल है। हालांकि अगर आप चाहें तो इन ब्लोटवेयर्स को एक एक करके अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे ब्लोटवेयर्स जैसे स्पॉटिफाई, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, जोस, बायजूस, डेली हंट, प्राइम वीडियो, फ़ोन पे, यहाँ पे 10 से ज़्यादा यहाँ पे ब्लोटवेयर्स ही पहले से इंस्टॉल है। हालांकि आप चाहे तो एक एक करके सबको इंस्टॉल कर सकते, सबको अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फ़ोन के स्टोरेज को थोड़ा ज़्यादा खाली कर सकते हैं। दोस्तों फ़ोन के अंदर जो सिम स्लॉट दिया गया है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है। तो आप लोग एक ही साथ में दो सिम कार्ड और अगर आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे फ़ोन के अंदर लगा सकते हैं। और इस फ़ोन का एक खास बात और ये अच्छा लगा मुझे, 6000 मिली एम्पेयर का बैटरी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी फ़ोन कुछ ज़्यादा मोटा यहाँ पे नहीं है, एक ही हाथ से आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। साथ ही में बहुत ज़्यादा हेवी फ़ोन भी यहाँ पे नहीं है, 170 से 180 ग्राम्स के आसपास कुछ इसका वेट होगा। दोस्तों फ़ोन का ये फर्स्ट बूट है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे रैम कितना खाली है और स्टोरेज कितना खाली है। इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 120 GB का स्टोरेज 6 GB वेरिएंट के अंदर में, और इस 120 GB में से आप लोग देख सकते हैं 26.53 GB यूज़ हो रहा है, यानी कि आप लोगों को 101.5 GB अप्रॉक्सीमेट फ्री मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए रैम भी देख लेते हैं मेमोरी कितना खाली है। देख सकते हैं यहाँ पे आउट ऑफ 6 GB आप लोग को 2.9 GB फ्री मिल जाएगा। फर्स्ट बूट के बाद यहाँ पे 2.9 GB अभी फ्री है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2.7 GB यूज़ हो रहा है और 419 MB जो है रिजर्व करके रखा गया है। और दोस्तों एम सीरीज़ के सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन्स में आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आप लोग को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और उसी के साथ में आप लोग इसका कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे फीचर्स यहाँ पे M32 में दिए गए हैं और उसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे ऑल्ट जी लाइव का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स पैक किए गए हैं सैमसंग गैलेक्सी M32 के अंदर में। तो सारे फीचर्स को जानने के लिए आप लोग इसका टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखना ना भूले, वहाँ पे मैं ऑल्ट जी लाइव साथ ही में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स को डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों फ़ोन के अंदर नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर को लगाना चालू किया है और यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योर्ड बाय नॉक्स का यहाँ पे लोगो आ रहा है। तो नॉक्स का सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा अच्छी बेटर क्वालिटी का सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों फिंगरप्रिंट को मैंने सेटअप कर लिया है तो अब चलिए देख लेते हैं फिंगरप्रिंट का सेंसर कैसा फास्ट है। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, टैप करने से यहाँ पे अनलॉक हो जा रहा है। हालांकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद भी यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, जो कि एक ड्रॉबैक है। आज के दिन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता तो काफ़ी अच्छी बात होता और सिमिलर रेंज के दूसरे फोन्स में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। हालांकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। दोस्तों मैंने फेस अनलॉक को भी रजिस्टर कर लिया है तो चलिए देख लेते हैं फेस अनलॉक कैसा काम करता है। देख सकते हैं फेस को देखने के तुरंत बाद ही ये फ़ोन को अनलॉक कर दे रहा है, तो इजीली आप लोग फेस अनलॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है, तो चलिए देख लेते हैं डिस्प्ले में यहाँ पे वीडियो कैसा प्ले होता है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी गजब का कलरफुल यहाँ पे लग रहा है, काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे फुल रेजोल्यूशन पे वीडियो प्ले हो रहा है और देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका डिस्प्ले लग रहा है। आप लोग एकदम सामने से देखेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत आप लोगों को लगेगा।
सैमसंग का यही चीज़ मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है। इनका जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है सिमिलर रेंज के कोई भी फ़ोन। तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, साथ ही में 90 हर्ट्ज़ का इंक्लूजन मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, और ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ आता है, डिसेंट स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। सैमसंग एज ए ब्रांड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस फ़ोन के अंदर काफ़ी डिसेंट स्पेसिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप लोग सैमसंग ब्रांड का ही फ़ोन खरीदते हैं, कोई दूसरा ब्रांड का फ़ोन खरीदना नहीं चाहते, तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपके लिए बहुत सही चॉइस रहेगा। काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी भी मिल जाएगा, ओवरऑल सब कुछ मिला के आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक पैकेज मिल जाएगा। डिटेल में कैमरा रिव्यू इसका जल्दी आ जाएगा, उसके लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का छोटा सा वीडियो, सैमसंग गैलेक्सी M32 का अनबॉक्सिंग। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आप लोगों को और भी ऐसे वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।